चलिए बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त आपको राजनांदगांव गांव से मिल रही है, राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां मेयर पद पर कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस की हेमा देशमुख मेयर बनी है, उन्होंने बीजेपी की शोभा सोनी को हराया है। महापौर चुनाव के लिए 51 पार्षदों ने मतदान किया था, बीजेपी की शोभा सोनी को 20 वोट मिले थे, जबकि हेमा देशमुख ने 31 वोटों के साथ जीत दर्ज की। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, राजनांदगांव से इस वक्त मिल रही है। तो राजनांदगांव से एक बार बड़ी खबर फिर से आपको बता देते हैं, जहां पर मेयर पद पर कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस की हेमा देशमुख राजनांदगांव की मेयर बनी है, उन्होंने बीजेपी की शोभा सोनी को हराया है। महापौर चुनाव के लिए 51 पार्षदों ने मतदान किया था, 20 वोट यहां पर शोभा सोनी को मिले हैं, जबकि हेमा देशमुख ने 31 वोटों के साथ मेयर सीट पर कब्जा कर लिया। मनोज मिश्रेकर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, एक बार फिर से कांग्रेस की बल्ले बल्ले। जी जी, बहुत ही कड़ा मुकाबला पहले ऐसा दिख रहा था जी, लेकिन आखिर जो निर्दलियों को उन्होंने 5-6 दिनों से कैप्चर करके रखा हुआ था अपने पास, तो वो निर्दलियों ने कांग्रेस को मत देकर हेमा देशमुख को 31 वोट से डाले, और जिसपे 11 वोटों से हेमा देशमुख ने विजयी हासिल की है जी। इसके बाद हेमा देशमुख का कोई रिएक्शन? अभी बाइट, अभी प्रमाण पत्र वगैरह लिया जा रहा है, उसके बाद उन्होंने प्रेस से बात करने की बात कही है। उनकी प्राथमिकता वैसे यह है कि जो भी अधूरे काम अभी नगर निगम क्षेत्र में बचे हुए हैं उनको पूर्ण करने की जवाबदारी उन्होंने ली है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपके आगे भी लेंगे। बहरहाल, अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।